गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है और ये बन रही है मेरी मॉर्निंग टी। तो जिसने भी चाय पीनी है आ जाइए और चाय रेडी होने वाली है। तो अभी मैं पी लूँगी चाय और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, हस्बैंड भी अभी चले गए हैं। ये देखिए बच्चे, इनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है और ये सो रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर आ गई है मेरी मॉर्निंग टी। तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद ही काम पर लगूँगी, क्योंकि चाय तो सबसे पहले ज़रूरी है। और कल हमने ना 1K का सेलिब्रेशन किया था, तो ये देखिए बच्चों ने बलून्स वगैरह फुलाए थे, उसके बाद यहीं पर ये फेंक दिए सारे जो ख़राब हुए पड़े थे बलून्स, तो यहीं पर पड़े हुए हैं। ये घर पूरा सुबह सुबह बहुत गंदा हो रखा है। और बस उसके बाद चाय पी लूँ, उसके बाद फिर लगती हूँ काम पे अपने, क्योंकि काम तो करना ही है, काम करे बगैर तो चलना नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो आज हस्बैंड का मूड था कि करेले को कद्दूकस करके बनाओ, तो मैं बस वही बना रही हूँ। करेले की सब्ज़ी बन जाएगी और उसके साथ बस पराठे बन जाएंगे, साथ में मैंने खीरे का रायता बनाया है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बनकर हो गई है रेडी मेरी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा, और बस जल्दी जल्दी आटा लगा लेती हूँ। और मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाता है मेरा, क्योंकि हस्बैंड को निकलना होता है सुबह। तो सबसे पहले तो खेत जाते हैं देखने के लिए कि हाँ मतलब फसल वगैरह कैसी है कैसी नहीं है। तो आजकल गन्ने का काम चल रहा है, गन्ने में लोग खाद वगैरह डलवा रहे हैं, तो बस वहीं गए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ उनके आने से पहले। अब बस आकर नहा कर फिर वो चले जाएँगे अपने काम पर। तो यहाँ पर आटा लगा रही हूँ मैं, इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो चलिए आटा भी मेरा लग ही गया है लमसम, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो जल्दी जल्दी बनाती हूँ रोटियाँ। It feels so good when you are around. You got the smell, got the eyes, you come and falling down. I wonder if I can I stay by your side for life. Take my hand, go with me tonight. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ना साथ ही साथ मैं रात की सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ। रात को मटर पनीर बनाना है मैंने, तो मैंने सोचा चलो अभी मैं मसाला रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ना शाम के टाइम लाइव स्ट्रीम भी करनी होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, काफ़ी लेट हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं प्रिपरेशन कर पाती, लेकिन आज मैंने सोचा चलो टाइम है मेरे पास, तो मैं जल्दी से मसाला रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद तो थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो बस मैंने रात के लिए आटा भी लगा दिया और मसाला भी रेडी कर दे रही हूँ, बस सिर्फ जल्दी बना दूँगी सब्जी, टाइम कम मिलेगा तब भी। Something that comes for you, do me nothing.
잎사귓 빛바람이 부는 오늘 같은 날 세상 누구보다 그대 사랑한다는 그 말 오늘 너에게만 설레는 맘 담아 너에게만 말할래 햇살 가득 담은 그대 얼굴이 너무 보기 좋아 오늘 내일도 모레도 세상 끝날까지도 어떤 일이 있더라도 서로 사랑해주기 때로는 많이 아파도 싸우고 토라져도 우리 사랑만은 영원하기를 잎사귀 빛바람이 부는 오늘 같은 날 세상 누구보다 그대 사랑한다는 그 말 오늘 너에게만 설레는 맘 담아 너에게만 말할래 햇살 가득 담은 그대 얼굴이 너무 보기 좋아 오늘 내일도 모레도 세상 끝날까지도 어떤 일이 있더라도 서로 사랑해주기 때로는 많이 아파도 싸우고 토라져도 우리 사랑만은 영원하기를 잎사귀 빛바람이 부는 오늘 같은 날 세상 누구보다 그대 사랑한다는 그 말 세상 끝날까지도 어떤 일이 있더라도 서로 사랑해주기 때로는 많이 아파도 싸우고 토라져도 우리 사랑만은 영원한 잎사귀 빛바람이 부는 오늘 같은 날 देखिए फ्रेंड्स, ये हम लेकर आए थे जियो मार्ट से और हस्बैंड लेके आए थे। मैंने उनको फ़ोन पर बोल दिया था क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पाई थी मार्केट, थोड़ा सा सामान था तो मैंने सोचा चलो फ़ोन कर देती हूँ। तो ये देखिए मैगी लेकर आए हैं और पेस्ट लेकर आए हैं और ये आई है चाय की पत्ती टाटा अग्नि। और ये वाली हम लोग लेते यूज़ नहीं करते, वैसे हम टाटा इलायची यूज़ करते हैं, लेकिन ये लेकर आए हैं फर्स्ट टाइम। देखो क्या होता है इसका रिज़ल्ट, और है तो टाटा की ही लेकिन अच्छी होगी। तो मैं पता है क्या, जब भी कोई भी चीज़ मंगाती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी डेट चेक कर लेती हूँ कि कहीं कोई पुराना तो नहीं है। और ये देखिए, ये है पावनी की पेस्ट, तो ये बेबी पेस्ट है और बच्चों को छोटी 5 साल से पहले ना यही वाली पेस्ट करानी चाहिए, ये अच्छी रहती है। ये है पावनी का ब्रश, और अपना ब्रश और पेस्ट लेके पावनी बहुत खुश हो गई थी। और ये आए हैं हम तीनों के ब्रश, तो ये बाय टू गेट वन फ्री है और ये सेंसोडाइन का है, तो बहुत अच्छा रहता है। हमेशा सेंसोडाइन का ही लाते हैं हम लोग ब्रश, अच्छा रहता है क्योंकि बहुत स्मूथ होता है और इसका ब्रश बहुत अच्छा निकलता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए जियो मार्ट का है ये, और अच्छा है। यहाँ पर अपने ही हमारे ही एरिए में है, देखिए स्मार्ट करके है कुछ, विजिट मतलब लिखा है इन्होंने थैंक यू विजिट अगेन। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा चलो भिंडी भी बनाकर रख देती हूँ और यहाँ पर बनाऊँगी मैं भिंडी, और बस भिंडी की तैयारी हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी और मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ, और मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। और बिल्कुल सिंपल खाना है, करेले की सब्जी के साथ मैं भी खा रही हूँ। और दोपहर का टाइम हो गया ना, तो हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिक्स ही हो जाता है, तो मैं रायता नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरा ना मैंने सोचा चलो आम खाती हूँ मैं साथ में। और देखिए मैं पूरा आम लेके आई हूँ, काट के नहीं लिया क्योंकि मुझे खाने के साथ ऐसे ही पसंद है। अगर आपको हमारी वीडियो किसी भी एंगल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।